हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल किड्स टॉयज गेम्स एंड गैजेट में। आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे बिल्कुल फेयर बात करेंगे, जो जेन्युइन हो। कोई दुकानदारी नहीं, कोई कुछ नहीं। नॉर्मली आपको मान लें बच्चे का बर्थडे है, उसके लिए रिटर्न गिफ्ट चाहिए, तो ये तो एक ऐसा होता है जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए। क्योंकि हमारी कोशिश रहती है बेस्ट प्राइस मिले, अच्छी चीज़ मिले जो हर बच्चे के लिए यूज़फुल हो, जो कि 100% तो आप ले नहीं सकते। देखो, साफ कहो सुखी रहो, आज का मेरा वीडियो रहेगा ये, साफ रहो, साफ कहो सुखी रहो। तो मैं आज आपके साथ बिल्कुल फेयर होकर बात करूँगा, कोई सेल्समैन ही नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या एज ग्रुप में कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं, मैं आज इसके बारे में आपको ज़्यादातर डिटेल बताऊँगा, ताकि आपको आगे कहीं ले रहे हो तो आपको आसानी रहे खरीदने में, और एक आइडिया रहे कौन सी एज ग्रुप कितना चलती है। नॉर्मली केसेज में मैंने देखा है, अब छोटी सी पेंटिंग किट है, उस पर लिखा जी 3+ के लिए। भाई साहब, 3 साल का बच्चा क्या पेंटिंग करेगा, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए ऐसी बात नहीं करेंगे आज की वीडियो में, सिंपल साफ सुथरी बात करेंगे। चलो आज की वीडियो चलते हैं। ये देखिए सर, ये है जी मनी बैंक, तो बहुत सारी रेंज मिलती है बॉयज गर्ल्स के हिसाब से। स्टोरेज बॉक्स, ये एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है 3 साल से बड़े बच्चों के। उसके बाद ये सारी अलग अलग डायरीज हैं, पॉपर डायरीज, अलग अलग डिज़ाइंस में आपको डायरीज मिल जाती हैं। ये पर वाली डायरीज हैं। कुल मिला के मैं डायरीज की बात करूँ तो ये डायरीज कहते हैं बच्चे को दे दो जी, हर कोई सेल्समैन बोले तो नहीं, ये मान के चलो आपको कम से कम 7-8 साल का बच्चा मिनिमम होना चाहिए एज ग्रुप में, ताकि वो इसको देख सके, बना सके। ये उसके एज ग्रुप में ही चलता है, सेल्समैन तो बेच देगा जैसे मर्जी बेचना, पर मैं आपको एग्जैक्ट मैं बताऊँगा। ये देखिए आप, ये डबल साइड पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल रबर शॉप का स्केल इसके साथ है, नटराज की पेंसिल है, ये डबल साइड है, ये ठीक ठीक रेंज है, मतलब 50 रुपये की अगर आपकी रेंज है तो आप अच्छा गिफ्ट पैक दे सकते हो आप। इसी तरह से और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पाउचेस, वाटर पाउच 125, इसमें बहुत सारे पाउचेस मिलते हैं 200 रुपये, इसमें भी आपको बहुत रेंज मिल जाती है। पर ये भी जो एज ग्रुप है ना, देखिए आप 3 साल के बच्चे को दोगे उसको कोई सेंस नहीं, कम से कम उसको इतना सेंस हो कि वो बच्चा यूज़ कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, तो मान के चलो फर्स्ट क्लास का बच्चा तो मिनिमम होना चाहिए जो बच्चा इसको यूज़ करेगा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं आजकल एक राइटिंग नोट पैड, ये बहुत फेमस है, ये आप हर बच्चे को दे सकते हो जिसको लिखना आता हो, छोटे से बड़ा, छोटा तो ABC वगैरह लिख लेगा, और बड़े वाला है जो वो तो आप मान के चलो कि वो कुछ भी इसमें कर सकते हैं। तो ये 100 रुपीज़ का छोटा आता है 8.5 इंचज़ का, और इसी में एक बड़ा आता है 1090 का 12 इंचज़ का, ये भी एक अच्छा गिफ्ट पैक हो सकता है। उसके अलावा छोटे बच्चे में चलूँ, 3 साल के आसपास का जिक्सो पज़ल आती हैं, ये 75 रुपीज़ में अलग अलग करेक्टर्स में आपको मिल जाती हैं। डॉल्स हैं 95 में दे सकते हैं आपको, पेन स्टैंड, स्लाइम नॉर्मली लोग नहीं देते हैं रिटर्न गिफ्ट, मैंने नोटिस किया है, अवॉइड करते हैं। ये पेंसिल बॉक्स में बहुत रह जाती है, पेंसिल बॉक्स कार शेप, इसके अंदर एक और हो जाएगा, तो ये भी आपको 125 में अच्छा रिटर्न गिफ्ट मिल जाता है देने के लिए। अगर आप देना चाहते हैं कुछ अच्छा सा तो ये भी है 125 में फ्रूट कट, इसमें भी आपको अलग अलग वैरायटी मिल जाती है। ये देखिए इसमें पापा पे या पापा टोल के लंच बॉक्स हैं 85 से 100 के बीच में, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपने रिटर्न गिफ्ट में देना है बच्चे को देने के लिए गिफ्ट है, इसमें और भी डिजाइन मिल जाएगी। अब चलते हैं थोड़ा रिटर्न गिफ्ट में और, ये डाइनिंग डायमंड पेंटिंग गिफ्ट है, इसी के बारे में आपसे मैं बात कर रहा था। इस पे मेंशन है 3 इयर्स एंड अबाउट के लिए, एक डायमंड पेंटिंग बहुत फेमस है, बहुत वीडियोज आ रही हैं, और बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग ये 3 साल का बच्चा कर ही नहीं पाएगा, इतने छोटे छोटे पीस हैं और देना भी नहीं चाहिए। देखिए इसमें लिखा है, बता देती हूँ, कम से कम मैं अगर इसको देखूँ तो कम से कम ये फर्स्ट क्लास का बच्चा, मतलब 5-6 साल का तो हो जिसको सेंस तो होगी डायमंड पेंटिंग की कैसे लगाते हैं, 3 साल का बच्चा तो मुँह में डाल लेगा डायमंड पेंटिंग को, छोटे छोटे पीस का क्या उसमें रहेगा, इसलिए मैं नहीं कहता। इसका 100 से 125 के बीच में रेंज है, बड़े साइज वाला ऊनो कार्ड्स, अब ऊनो कार्ड सबको नहीं दे सकते आप, अब कम से कम कई बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो ऊनो कार्ड का उन्हें पता ही नहीं, तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में बच्चे को दे रहे हैं। ये 65 से शुरू हो जाता है। स्टैम्प्स, अब ये स्टैम्प्स नॉर्मली लोग गर्ल्स के लिए लेते हैं, तो मैं आपको आज बात बता दूँ बॉयज़ में भी ये बच्चों में बहुत फेमस है, ये 85-75 के बीच में 10 स्टैम्प्स का सेट मिल जाता है। ये डायरी और पेन का सेट, ये भी आप मान के चलो 5 साल का तो बच्चा हो कम से कम करने के लिए 60
₹50 में हाइलाइटर, ये आप देखें रूबी क्यूब 100 रुपीज़। ये ब्रश पेन बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है 120 में। ब्लो पेन 70 रुपीज़, ये भी देते हैं, पर ब्लो पेन मैंने देखा नॉर्मली ना बच्चे ठीक से कर नहीं पाते, ठीक है नहीं ठीक है, पर उतना बढ़िया चीज़ नहीं लगा मुझे। ये आप देखते हैं, ये देख सकते हैं टिक टिक टैक वुडन में है, 85 से 100 के बीच में मिल जाता है। फिगर्स ये बच्चों में बहुत फिगर, एक्शन फिगर्स बहुत हैं, ये 100 से 140 में आपको मिल जाता है। पेंसिल बॉक्स कार शेप में 135 145, इस तरह के। अच्छा अब आगे चलूँ मैं तो आपको गेम्स की बात करूँ, तो गेम्स में ना बॉक्स बहुत वैरायटी है, ठीक है। लूडो चेस कैम्बोला तो बहुत कॉमन है, वो तो बच्चों को मतलब दिया ना दिया बराबर, तो इस तरह की चीज़ें। अब जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो ये एक आता है मोल्ड एंड पेंट, बच्चों में बहुत है, 7 मोल्ड हैं इसमें, सारा सामान है, प्लास्टर पैरिस है, मोल्ड हैं, कलर कर सकते हैं, एक मैगनेट बना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट हो सकता है बच्चों को, 220 रुपये। पर ये भी कम से कम 5 साल का बच्चा तो हो जिसको ये चीज़ समझ आए वो देखें। ये राइटिंग बोर्ड ब्लैक, ये वाला भी बहुत बढ़िया है, ये 2 साइड वाला है, 185 रुपीज़। रोलिंग स्टैम्प ये भी अच्छा चलता है, तो ये चीज़ें ना काम की। अब जैसे 99 रुपीज़ में प्लेयर का सेट, ये भी बहुत फेमस है, इस तरह की आइटमें हैं जो देनी से हैं, ये नहीं कि बस ले लिया, मतलब आप ज़्यादा ढूंढोगे ना आप कंफ्यूज ही होगे। अब जैसे घड़ी है प्रोजेक्शन वाली 100 रुपीज़ में करेक्टर मिल जाते हैं, तो यही चीज़ें मेन है रिटर्न गिफ्ट में चलने के लिए। बाकी सब डिपेंड करता है कि आपकी क्या रेंज है, आप किस रेंज में बच्चों को देना चाहते हैं। अभी बड़े बड़े हैं 400-500 रुपये पर हेड भी रिटर्न गिफ्ट में जाते हैं, हर एक की अपनी एक स्ट्रेंथ है। स्कूल में तो नॉर्मली आजकल बोलते हैं भाई आप कम रेंज का लाओ, बिलो 50 का रेंज सामान दो, ताकि वो बच्चे हर लेवल से आते हैं, हर कैटेगरी से आ रहे हैं, तो उनको तो ये सब चीज़ें रिटर्न गिफ्ट में बहुत चलती हैं। आज मैंने कोशिश की आपको थोड़ा सा ऑफ द रोड जाके बताने की कोशिश की भाई ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, ऐसे ऐसे चलेंगी, आप इनको यूज़ कर सकते हो। चलो जाते जाते एक और बताए, ये क्रॉस शोल्डर बैग है 185, क्यूट सा बैग, स्लिंग बैग 100 रुपीज़, स्लिंग बैग 125, ढोलक बैग डफल बैग ही बोलते हैं 185, इसमें सब में करेक्टर्स मिल जाएंगे आप, छोटी छोटी डॉल्स हैं 95 रुपीज़। तो बॉस ये तो वैरायटी है, जितना मैं दिखाऊंगा आप कंफ्यूज ही होंगे, बेस्ट ये है आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है। अगर आप ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो मैं आपको नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में या अभी स्क्रीन पे कर दूंगा, आप उसमें देखिए, आपको और चैट कीजिए मुझसे, मैं आपको उसके बारे में और डिटेल्स बताऊंगा, कहाँ चीज़ क्या मिलती है, आप कहीं से भी लें तो एक बार भी आपको आइडिया हो कि हाँ यार ये चीज़ हम बच्चे को गिफ्ट में दे सकते हैं। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बढ़िया चीज़ दो, बेस्ट दो, ये ऑप्शन ही है इस वक्त जो ट्रेंड में चल रही है, इसको मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। बाकी टॉयस की मैं आपको रेंज दिखा दूँ, ये देखिए जाते हैं, ये भी देखिए फास्ट पुश गेम, इसको भी आप ऑनलाइन अगर देखें वीडियोज हैं इसकी, बहुत बढ़िया बच्चों में चल रहा है। ये सब टॉयस की रेंज है। 3D पेन अगर आप ज़्यादा जा रहे हैं तो ये भी देख सकते हैं, पॉपिंग बॉल ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रोडक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।